जी, कम हेयर माई डियर, है ना? यहीं कहीं ड्यूटी में होंगे, आ जाओ। हाँ आओ बहन। सीताराम माइक लो बिटिया, बिना माइक के बोल सकते हैं? हाँ बोलिए, क्या बात? पूरे घर में विघ्न बना है, परिवार के पीछे लगे हुए हैं, जिस कारण से तनाव बनता, क्लेश बनता, चिंता ना करें, आशीर्वाद है। उसमें समय है बिटिया, जॉब प्राइवेट में। बालाजी की दया, आपको बीमारी ओसीडी बनी हुई है, ये दिमाग की चिंतन करने वाली बीमारी है जिसका नाम ओसीडी है, जिसमें एक ख्याल कई समय तक टिका रहता, उसी का मनन चलता रहता है, मर जाएंगे, शरीर में दिक्कत हो जाएगी, कहीं कोई हमें कोई मार तो नहीं देगा, कहीं कुछ कर तो नहीं देगा, कुछ उपद्रव तो नहीं हो जाएगा, कहीं जो है चर्चा करते हैं तो कहीं आपा तो नहीं खो बैठेंगे, ऐसे विचार दिमाग में भरते रहते हैं। ये एक बीमारी बन रही है। हाँ, बहुत अच्छा चल रहा है बहन, ये बीमारी है, इस पर भी कृपा होगी। आगे हमने लिखा है कि आपका स्वयं का मकान भोपाल में ही योग बन रहा है, जो आपका मनोभाव था कि हम कहाँ रहें, तो भोपाल में ही योग बन रहा है, आप चिंता ना करें। और एक बार पिताजी को दर्शन करा दें। जी कम हेयर माई डियर, है ना? यहीं कहीं ड्यूटी में होंगे। ये मंत्र बहन, नियम है हमारा बहन। हाँ दूर से सीताराम कर लो। जय वाह, अब कृपा कर दी, पधारो दाम जी। जय बहुत, जो कुछ भी आपने बताया पूरा सही है। जय हो, जय श्री राम, जय श्री राम, खुश, जय हो सीताराम बिटिया, खूब खुश रहो, खूब खुश रहो बहन। इस लड़की को देखकर सब यही समझ रहे थे कि ये लड़की जया किशोरी जी है, क्योंकि इनकी शक्ल काफी ज्यादा जया किशोरी जी से मिलती है। बहुत सारे लोगों को ये लग रहा था कि जया किशोरी ने भी अर्जी लगाई है, पर जब इस लड़की की अर्जी लगी तो पता चला कि ये जया किशोरी नहीं है, कोई और है। इसकी शक्ल जया किशोरी से काफी मिलती जुलती है। आपको ये वीडियो देख के कैसा लगा कॉमेंट में हमें जरूर बताएं। क्या आपको भी ये लगा कि ये जया किशोरी है? वीडियो के कॉमेंट में हमें जरूर बताएं। आपका धन्यवाद।